Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह है शंग्रीला यानी स्वर्ग, मगर लोग कहते हैं कि यह एक ऐसे आदमी के पागलपन की निशानी है जो अमेरिका में पढ़ा लिखा, एक राजकुमार होते हुए, अमीर और मशहूर होते हुए भी वापस हिंदुस्तान लौटाया और अपने इस महल को एक अस्पताल में बदल दिया। वो भी एक ऐसा अस्पताल जिसके मरीजों को दुनिया पागल कहती है। वैसे पागल कौन नहीं, कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए और कोई ताकत के लिए पागल है। फिर इन लोगों को ही क्यों पागल कहा जा रहा है, ये डॉक्टर विक्रम सिंह की समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये लोग आम पागलों की तरह बेकाबू होने वाले मरीज नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो किसी को कोई तकलीफ नहीं देते पर अपनी ही एक दुनिया में घुटते तड़पते रहते हैं। आज सूर्य ग्रहण है, इन लोगों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होता है, डॉक्टर सिंह ये देख रहे हैं। आजकल रीता के पहेली सुलझाने में बहुत परेशान हैं। रीता पर सूर्य ग्रहण का असर कुछ ज्यादा ही है। डॉक्टर सिंह को पूरा यकीन है कि वो अपने प्रयोग से रीता की बीमारी की तह तक पहुंचकर उसे ठीक कर देंगे और एक दिन उसे समाज में सही जगह दिला सकेंगे। दिल की धड़कन और दिमाग के ईजी से लगता है जैसे कोई भयानक सपना देख रही हो, पर इतना असर तो पहले कभी नहीं हुआ सर। बहन का सर रीता पर कुछ औरों से ज्यादा हुआ लगता है, बेहद डरी हुई सी लगती है सर, मगर किससे यह जाने बिना तो मुश्किल है। दो तीन दिन में फिट्स का असर खत्म होने के बाद देखें तो। डॉक्टर सिंह के पास रिपोर्ट भिजवा दो सर। कैसे नहीं, तू ट्रेन जा रही है, भाग गया ना, मैं देख के डर गया।
बिल्कुल तुमसे मिलती है ना शक्ल, गिरेगी बिली की बच्ची। यहां से तुम अब पैदल ही चलो। नहीं, मेरे पांव दुखते हैं। कोई पांव नहीं दिख रहे, चुप तक चलो अब। चलो भाई। क्या कर रही है? ले ले काले, अबे अम्मा ले 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 बेटे, ये दे, बाबूजी आए। हाँ बोले, घबराओ ले दे बेटे, डरमो ले दे ले दे ले दे, अबे ले ये हाथ बाहर निकाल पक्का। एक तो बत्तम ही करते हो, ऊपर से मारते हो। नहीं नहीं शर्म कहीं के। अभी दिखाती हूँ। मैं तो पढ़ रहा था, कमाल है, मारा तो आपने मुझे। अरे मैं पढ़ाती हूँ, अभी दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। और मारो आंटी, और मारो। घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है। अरे बीवी तो होगी ही। वो तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ इसीलिए तो इतने बेशर्म हो। अरे आंटी बेशर्म है, मजा आ गया। फिर ऐसी हरकत किसी लड़की के साथ मत करना, समझे? अरे पहले कब की थी? चिंपांजी मुझसे एक शरीफ आदमी को मरवा दिया, बदनाम करवा दिया, अब कोई लड़की तो क्या भैंस बकरी भी नहीं देती मेरी तरफ है। हड्डियों की चट्टी बन गई। अच्छा माई बाप चलते हैं, नमस्ते, फिर कभी नहीं मिलेंगे। मिली की बच्ची, अब तुम सिर्फ चिड़िया देखोगी, समझी? वहां खतरा नहीं है, यहां तो चमड़ी उधेड़ने में तुले हुए लोग। अमित फिल्म छोड़ो, खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाई मिली कहाँ है? अमित उसे घुमाने ले गया था, थक कर सो गई। अच्छा थक तो मैं गया था ना, वो महारानी तो मेरे पीठ पर सवार होकर सारा दिन मुझे टट्टू की तरह घुमाती रही। भैया जमीन पर पैर रखने से तो जैसे उसके पैरों में करंट लगता हो। और जो तुम इतना बोझा पीठ पर लाद कर पहाड़ों में थक्की खाते फिरते हो, तब नहीं थकते, हम थक जाते हैं फिक्र करते करते। अरे वो तो काम है ना भाभी, बॉटनी बॉटनी जानती हो, वनस्पति शास्त्र, तुम्हारे वाले नहीं पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च रिसर्च को घर बैठे थोड़ी होती है। हेलो वर्मा साहब, वो खाना खा रहे हैं, कभी तो चैन से बैठने दीजिए ना। अब प्लीज आप सुबह ही उनसे बात कीजिएगा, वो हमें घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ हाँ अरे भाई उनका कोई जरूरी काम होगा, हम सबसे भी तुम तो खाना खा लो, वो तो नोट भी चबा लेंगे। तुम्हारे मोटू से तो खाना अच्छा बनाती हूँ ना। वो तो बम्बई भाग गया ना हीरो बनने। अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हें घर में रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर खाना पीना ही ठीक ना मिले तो फिर जीने का फायदा ही क्या है। भाई एक तो बंगले की देखभाल भी हो जाएगी और फिर मुझे पढ़ने के लिए जरा पीसफुल जगह भी मिल जाएगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं कुछ नहीं। यानी कि हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब करते हो? अरे नहीं नहीं भाभी, तुम तो अपना मूड ठीक करने के लिए 10-20-50 साड़ियाँ खरीदो फर्स्ट क्लास। अरे भाई क्यों मरवा रहे हो? मेरी साड़ियाँ खरीदने से तो इनका बिजनेस फेल हो जाएगा। अमित तुम्हें मालूम है शादी से पहले जब मैं तुम्हारी भाभी के घर गया था ना, देखो 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 अब देखो कितना गुस्सा दिखा रही है, और उस वक्त ऐसी शर्मा रही थी। ससुर जी ने मेरे गले में हार वार पहनाया और हार्दिक स्वागत किया मेरा, और फिर उसके बाद ये बढ़िया से बढ़िया पकवान इतना खिलाया कि पूछो मत। और ये सब होने के बाद ससुर जी मुझे धीरे से कहने लगे कि भाई आप आ गए ये तो अच्छा हुआ,
लेकिन अब आपके बेटा जी बिटिया को देखने कब आएंगे? मैंने कहा कि अरे भाई मैं ही तो बेटा जी हूँ। इसलिए कहता हूँ भैया, बहुत मोटे हो गए, आप जरा कम खाया कीजिए, भैया एक्स्ट्रा फुल्का मुझे दीजिए। अरे मुझे दीजिए ना। अरे भाभी वो नीना गई क्या? अभी तो प्लेन श्रीनगर के चक्कर लगा रहा है, जनाब का ऑर्डर हो तो लैंड करें। अरे क्या भाभी, आप भी वैसे उसकी रिहर्सल अलंकार में चल रही है। तो भाभी खाना वाना छोड़ के जल्दी चलो ना, आप तो जानते हैं मार्शल लॉ लगा देगी। मार्शल लॉ? मुझे क्यों लगेगा मार्शल लॉ, मैंने तो सलामी भर दी है भाई, तुम जानो और तुम्हारी डिक्टेटर। बच्चों का सोने का वक्त है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है दीदी बहुत रिलैक्स हो गई है और घर का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा और जीजा जी उसे तलाक दे देंगे। हम दोनों की लड़ाई में बेचारी भाभी की तलाक क्यों करवा रही हो? लड़ाई? तुम लोगों से कौन लड़ाई करता है? अभी तक दीदी ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। क्यों? ये देखो तुम तो वैसे के वैसे ही हो। क्यों, क्या बुराई है? After all, you're meeting Miss Nina, the star dancer. Miss Nina, the star dancer. चलने भर की तो तमीज नहीं है, डोलती रहती है। लगता है मुझे। हाँ अच्छा, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? मैं मिली को जू दिखाने ले गया था। ओह, मिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। नहीं नहीं, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, कहे तो आपको जू में छोड़ कर ही आ जाता हूँ। तुम मुझे क्यों सताते रहते हो? क्योंकि मुझे पसंद नहीं तुम्हारा ये सिगरेट पीना। छोड़ दूंगी। और तुम्हारा ये मर्दाना कपड़े पहनना। छोड़ दूंगी। और तुम्हारा ये लड़ना झगड़ना। छोड़ दूंगी। और तुम्हारा ये सारा पागलपन। छोड़ दूंगी। और तुम्हारा ये डांस करना। छोड़ दूंगी। और मेरा पीछा करना। छोड़ दो। नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नो। जरा सुनिए, एक आइसक्रीम दीजिए, चॉकोबार प्लीज। हाँ जी, देता हूँ। अरे भाई उनसे कहिए ना, कितनी देर लगती है सैंडविच बनाने में, जल्दी करो भाई। रात के सैंडविच उनसे कहिए, केचप डालें थोड़ा। हाँ जरा जरा केचप डालिए साहब। देखिए सर, कितना? 7.5 रुपए सर। मैं तो वही नहीं था। अरे अरे साहब, उड़ चली। भाई, और भाई सुनिए,
आपने किसी बुरके वाली औरत को यहाँ से? हाँ, दीवार फाड़कर उस तरफ गई। दीवार फाड़ के? जी। थैंक यू। तुम? वो मैं तो वो। अच्छा अच्छा, तो दरअसल ये धंधा है आपका जी, और साथ साथ में साइड लाइन ये है कि मुझ जैसे शरीफ मर्दों को सड़क पर मारना, उन्हें बदनाम करना। ये तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अब की बार तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। मेरे बटले पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, अब तो तुम बच ही नहीं सकती। चलो पुलिस स्टेशन। देखिए, मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। वो क्या है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अब तो आप जल्दी में होंगी, मेरा बटवा आपके पास है ना, अब तो आपको बहुत जल्दी होगी। देखिए, वो मेरे बच्चे, वो हम बच्चे, ये तो सुना है मैंने, तीसरे होंगे और सारे के सारे भूखे होंगे। भूखे तो है लेकिन बच्ची सी है। अच्छा, और उनका बाप भी नहीं होगा, यतीम होंगे कमबख्त सारे। अरे आप तो ज्योतिषी निकले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची बहुत बीमार है और उसे दवा की सख्त जरूरत है। तुम झूठ मत बोलो मुझसे, समझी? नहीं, बुलबुल बहुत बीमार है। बुलबुल से कहो गाना गाओ, ठीक हो जाएगी। और तुम चलो हवालात, जब तक तुम हवालात की सैर नहीं करोगी तुम ठीक नहीं होने वाली। चलो आप खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए, उसके बाद आप जो करना कीजिए, जहां मर्जी ले जाइए। अब मन अच्छा, चलो चलो चलो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुए ना तो चलो। क्यों भी आराम करो, ये क्या हो रहा है? क्यों जानवरों की तरह घास फैला रखी है? क्यों भे, कितनी टोकरियां बनी? 25 क्या? अब्दुल चाचा ले आ। रेशम बहुत अच्छे। बुलबुल जी बीमार है, देखता हूँ अब टोकरियां कैसे निभाती। चल कमरा साफ कर, बहाना करती है हरामखोर कहीं की। सब ठहरिए प्लीज। क्या हुआ? आज अब्दुल ने बुलबुल को फिर मारा, उसे बहुत बुखार है पर फिर भी उसने सारा कमरा साफ कराया। फिर से यतीम खाने के सारे पैसे तो शराब में बहा देता है, बच्चे बेचारे भूखे बिलखते रहते हैं, ऊपर से उन्हें मारता भी है। वो कहाँ है? आप वो गांदरबल के बगीचे में गया है। बुलबुल कहाँ है? कमरे में अंदर। मैं अभी आई। मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। कहाँ मारा तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं उसे मार डालूंगी मैं उसे। अब्बा, आप अब्दुल को कुछ ना कहना, वो आपको भी मारेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन प्यार करेगा? आपको मेरी कसम। ऐसी कसम मत तो, मत तो ऐसी कसम। हे भगवान, एक फूल को कोई कैसे कुचल देता है, कैसे? आपा, दो दिन से इसे इतना बुखार है कि कुछ खा भी नहीं सकती। खा सकती नहीं या खाने को कुछ है ही नहीं? वो बदमाशी सब खा जाता होगा ना। देखो मैं अपनी बिटिया के लिए क्या लाई हूँ, हाँ? खाएगी ना? अनु जा बेटा, सबको बांट देना, जाओ लो, खा लो खा लो। नहीं खाऊंगी। खा लो ना बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए ना दवा ले आऊंगी, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे छोड़ के नहीं जाना। नहीं बेटा, नहीं जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कहाँ ले जाऊंगी मैं इसे? नहीं जाना।
इंसान इतना बेबस क्यों हो जाता है? क्यों? अनु, बुलबुल का ख्याल रखना, मैं दवा लेकर आती हूँ। मैं यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अब्दुल क्यों ना मुझे कितना ही मार ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप फिक्र मत करना। हा? अब चलिए, जहां भी ले चलना है। जी? आप कह रहे थे ना कि आप मुझे... वो मैं बहुत गुस्से में कह गया था। दरअसल मुझे मालूम ही नहीं था ना, मैं तो समझ रहा था कि आप चोर हैं। बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने आप जैसी लड़की जिंदगी में कभी देखी नहीं। जी देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं चलूं? अरे हाँ, आपका बटुआ। ओह, अब सॉरी। देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया? वो कुछ रह भी गया हो तो आप तो ऐसी कमाल की चोर है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता आपको। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप कभी मिलेंगी तब तो कोई पकड़ेगा ना। वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप? शाम ही तो है ये। नहीं, मेरा मतलब था कल शाम 4 बजे परी महल में। देखिए, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं समझूंगा आप अब भी मुझसे नाराज हैं। मैं नाराज नहीं हूं। मारी क्या मारी? कुछ मैं भी तो बताइए, अकेले ही अकेले मजा लूट रहे हैं आप? क्या क्या थप्पड़? उड़ती चिड़िया के पर, इश्क हाल बता सकते हैं गाल को देख कर। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? गाल हुजूर, आपके गाले मुबारक पर आपकी माशूका ने जो तोहफे छोड़े हैं। बोर मत करो यार। बोर? अरे कमाल यार, तो फिर मजनू की इतना बेसुद क्यों पड़े हुए हो? उठो यार उठो, एक्सपेडिशन में नहीं जाना है? मुझे नहीं जाना है। What nonsense! तो फिर नोट कौन बनाएगा? मुझे बहुत जरूरी काम है यार। यार, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। चाचा नेहरू कह गए हैं, आराम हराम है। बकवास हराम है, ये नहीं कह गए हैं। तुम लोग तो जाकर एक्सपेडिशन पर भी पिकनिक मनाने वाले हो ना? बॉटनी क्लास का नाम यूं ही तो बदनाम। As usual, लेकिन गुरु काम वाम तुम कर लेना, हम तुम्हारा हाथ थोड़ी छीने। एज यूजुअल, हम तो सब तुम्हारे नोट्स की कॉपी कर लेंगे। एज यूजुअल, तुम लोग जा रहे हो ना? हाँ। वो स्पेसिमेंस मेरे लिए ले आना, मैं उन्हीं में से नोट्स बना दूंगा, जाओ। तो फिर ठीक है, मगर कैसी है वो? यार क्या कर रहा है सलीम इतनी देर से? अमित को बोर कर रहा होगा यार, और क्या। ये मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। क्या कर रहे हो यार? गुरु तुम्हारे गाल ही कुछ ऐसे हैं। क्या मतलब? मतलब कोई भी लड़की यही चाहेगी। लेकिन तुमने बहुत गड़बड़ कर दी, दोस्तों की इज्जत का कबाड़ा कर दिया। एज यूजुअल, लड़की से मार खाकर आ गए। एज यूजुअल, आहिस्ता बोलो। शर्म करो, शर्म करो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा। बाय गॉड, मैं बदला लूंगा। गुरु तुम इसी वक्त जाओ एज यूजुअल, और उस लड़की को थप्पड़ का बदला लप्पर से दो। क्या मतलब? मतलब तुम उसे इम्प्रेस करो, डीप्रेस करो, रीप्रेस करो, एक्सप्रेस करो, वाई प्रेस करो, जेड प्रेस करो, लेकिन प्रेस करो। उसका एक ही तरीका है। हमसे सीखो,
देखो यार सलीम, प्रिंस सलीम, लोग हमें ऐसे ही नहीं कहते। जानते हो उसका तरीका क्या है? नजर से नजर मिलाकर, लपक कर, छपक कर, टपक कर। विजयी हो, आशीर्वाद है तुम्हें। As usual, सलीम से इश्क सीख रहा मैं तो टाइम पर हूं, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। गाड़ी चल रही है ना? खैर अभी आती होगी। ये लड़की यार, 5 मिनट हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लड़कियां इस मामले में कुछ, वक्त वक्त के मामले में कुछ अजीब होती हैं। अभी क्या है कि दावा है मर्दों से बराबरी का, एक छोटी सी चीज, खुद अपने किसी के वक्त का तो क्या खुद अपने अपॉइंटमेंट का ख्याल नहीं? अब दावा है ना मर्दों से बराबरी का, इसीलिए तो मर्दों से छोटी और घटिया समझी जाती है हर बात में। और फिर इश्क करेंगी, इश्क ये करेंगी, अरे इश्क नहीं, दिल में आग चाहिए, जिगर में लावा होना चाहिए। मजनू को देख लो, फरहाद की मिसाल ले लो, उनके दिल में आग थी, लगन थी उनमें, तो दुनिया को मिसाल दे गए। ये इश्क करेंगी, एक अपॉइंटमेंट तो सीधा रख नहीं सकती। दरअसल इनसे तो प्यार व्यार का चक्कर जो चला है उसका उसका दिमाग ही खराब है। जाए चूल्हे में हमें जा, जहन्नुम में जाए, जाके कूद पड़ा गई। वाह 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 वा। तुम ही क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है, सभी के सभी अवार्ड आप ही को मिलने चाहिए। तालियां तालियां, फूलों पंछियों मच्छरों मक्खियों तालियां। What a performance! वैसे इनके इश्क की परफॉर्मेंस का हाल ये है कि बातें तो करते हैं फरहाद मजनू रोमियो की, जो मिलन से अपनी महबूबा की खुशबू पाकर पागल हो जाते हैं। और ये मैं घंटों से यही पड़ी हूँ यही, और इन्हें खबर तक नहीं। अपने आप को आशिक कहते हो, शर्म आनी चाहिए इतना शोर मचाते हुए, आसमान सर पे उठा के रखा है। वो मैंने देखा नहीं ना भाई, अरे मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, माफ कर दो, बिल्कुल माफ कर दो, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ। अरे मुर्दा आशिक लेके मुझे क्या फायदा, वो तो मेरे भी किसी काम का नहीं, किसी तरह माफ तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने मर के भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा। वैसे एक फायदा है, बता बता, तुम मर कर भी जिंदा रह सकते हो। मर के जिंदा रह सकते हो, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। खैर किसी तरह माफ कर दो। माफ भी चाहिए? हाँ हाँ। एक शर्त है। अरे तुम्हारी 10 शर्तें मंजूर है, लेकिन तुम बताओ तो सही। सर के बल खड़े हो जाओ। काहे के बल क्या हो जाओ? सर के बल खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारी अकल एड़ी से उतर कर वापस सर में चली आए। चलो। अरे ये क्या हो गया, ये तो सब उलट पलट हो गया। अब हाथों के बल खड़े हो जाओ। हाथ पे सीधा तो चलने देती नहीं, और ऊपर से हाथ पे पता नहीं क्या क्या करवाओगी। अब चलो। चलो करोगे बच्चों। Thank you.
मैंने भी कि वैसे किया जैसे तूने कहा था, नजर मिलते ही मैंने उसके वो किया और फिर वो किया तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? डबल रोल, डबल हीरो, हम ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल? रिहर्सल की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही एक अच्छे खासे ड्रामे हो। ओ, आज 8 बजे डिनर यू एंड मी 7 हेवंस में। हैप्पी न्यूज। हैप्पी न्यूज सुनकर उछल पड़ोगे। कुछ नहीं, ठीक टाइम से पहुंच जाना। हाँ
हेलो आ जाएंगे चमक चमक मत चलो अरे हाय हाय चमक चमक मत चलो श्री देवी मलेगी बहुत अच्छा गुरु जय 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 नीना जी कुछ लेंगे आप नो थैंक यू आई एम वेटिंग जी अच्छा शादी करोगे नहीं सगाई की जरूरत नहीं है ये क्या बकवास है तुम अच्छी तरह जानते हो शादी नीना तुमसे ही करेगी हम सब भी यही चाहते हैं लेकिन भाभी इतनी जल्दबाजी करने की जल्दबाजी तुम अगर कहोगे तो वो उम्र भर तुम्हारा इंतजार करेगी मगर तुम्हारी मजबूरी क्या है तुम्हारे भैया को क्या जवाब दूं अमित कोई बात जरूर है तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ बात क्या है नीना मेरी बहन जरूर है मगर मुझ पर तुम्हारा ज्यादा हक है क्या नीना में कोई कमी है नहीं नहीं भाभी नीना बहुत अच्छी लड़की है उसको कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा मगर तुम नहीं मुझे बड़ा अफसोस है तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया तुमने पहले ही क्यों नहीं कहा वो जो इतवार को मिली को जू घुमाने ले गया था ना दो दिन में ही तुम्हें जीत लिया कौन है मिलाओ तो सही मैं वादा करती हूँ तुम्हारे भैया को भी मना लूंगी तुम कल ही उसे नटराज में लंच पे ले आओ मैं फैसला करा देती हूँ अच्छा आप क्या काम कर रहे हो मुझे काम तो पूरा करने दो यस मैडम टिके नहीं आए तो फिर कब लाओगे भाई तुम ही ऑर्डर कर दो भाभी ने पकड़ लिया मुझे रखो जल्दी रखो भूखा ही मार डालोगे क्या अरे वहां कहां जा रही हो ए मोटी इतना मत खा मर जाएगी मोटी बोल रही है ए मैं वहां से चलो अमित कहां लेके जा रही है अमित ए लड़की ए वो अमित है ना अब आप खाना ऑर्डर कीजिए वो लड़की कौन है आप खाना ऑर्डर कीजिए ना वो किसके पीछे भाग रहा है जल्दी जा रही है मैं बदले हो जाऊंगी कौन कौन क्या कमर कमर लगा रखी है आ जा आ जा आ जा क्या आ जा आ जा जा रही है अब फिर आगे आगे वजन कम करा कौन है बस पीछे करने दो मोटी इसके बाद तो हो चुकी शादी हमारी ये क्या पागल तुम है चल हट ये मेरा है कृष्ण कन्हैया खुद मक्खन चुराया करते और आजकल के लड़के अपनी माशूका से चिकन चोरी करवाते और खानदान का नाम रोशन करते हैं नटराज में उस पागल लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे जानते हो मुझे कितनी शर्म आई
अब ये सब हरकतें बंद कर दो और काम में ध्यान दो। सब काम मैं अकेला नहीं देख सकता, अपनी जिम्मेदारी समझ लो। इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो फैक्ट्री जाना शुरू कर दो, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। भैया मगर अगर मगर कुछ नहीं, समझाओ अपने लाडले को, पागलपन की भी हद होती है। कोई हद नहीं होती, आप दूसरों को क्या कह सकते हैं, हर वक्त काम काम काम। चाय लो। अमित सचमुच वो लड़की पागल लगती है। हाँ ये है, वो तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। अभी वो पागल नहीं है। हाँ भाई प्यार तो वैसे ही पागलपन होता है। तुम ऐसी हरकत कर कैसे सकती हो, कोई भी शरीफ आदमी ऐसी हरकत कर कैसे सकता है, पागलपन की हरकत है। अरे सुनो अमित, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मुझे तुमसे मिलना भी नहीं है। सुनो सुनो फिर मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। अमित 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 प्लीज रुक जाओ प्लीज। अरे तुमने भी म्यूजिक के बीट पर चलना शुरू कर दिया। अमित को मिलने गए थे आप? हाँ पड़ोसी कह रहे थे बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है। ताला? हाँ मुझे बताए बिना तो वो कहीं नहीं जाता, मुझे तो डर लग रहा है। कई कई दिन जंगलों में फूलों और पत्तों के पीछे भटकना, ये भी कोई पढ़ाई है? तुम ही तो कह रही थी उसे अपनी पसंद का कोर्स करने दो। ऐसे कोर्स करने के लिए और लोग नहीं है क्या? आप कुछ करिए ना, कितने दिन हो गए हैं, जरूर कुछ। अरे नहीं नहीं तुम तो खामखा घबरा रही हो, आपको तो अपनी फैक्ट्री के सिवा कुछ भी नहीं सोचता। अरे भाई मैंने पुलिस में रिपोर्ट दे दी है, पुलिस कमिश्नर मेरे दोस्त हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, तुम फिक्र मत करो वो ठीक ही होगा। क्या मुसीबत है बैठे बैठे? एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से मारते हो, नहीं 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 शर्म कहीं के। आपका बटुआ। माँ बीच रही है, एक शर्त है। अरे तुम्हारी 10 शर्तें मंजूर है लेकिन तुम बताओ तो सही। हाँ 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 हाँ
ताकि तुम्हारी अकल एड़ी से उतर कर वापस घर में चली आए। चलो वो अब नहीं है, मैंने भी कुछ चाहती की, मुझे मान जाना चाहिए था। आखिर ऐसी बात क्या थी, ऐसी हरकतें करना तो उसकी आदत ही है। अगर मैं मान जाता तो वो ना करती, गलती मेरी थी। वो क्यों आए, वो मेरे बाहर रह सकती है लेकिन मैं उसके बाहर नहीं रह सकता।
कांग्रेला क्लिनिक फॉर द न्यूरोस्थेनिक्स डॉक्टर विक्रम सिंह पागलखाना। डॉक्टर सिंह की लड़की होगी। किससे मिला है आपको? डॉक्टर सिंह से अपॉइंटमेंट है। जाइए बोट हाउस से बोट मिल जाएगी। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, वो तो जरा ये वो मुझे मिस रूपा सिंह से मिलना है। रूपा सिंह? जी हाँ। इज शी अ पेशेंट? नहीं, शी इज डॉक्टर सिंह्स डॉटर। मेरा ख्याल है वो 26 साल की होंगी वो। अच्छा डॉक्टर सिंह, ये महाशय आपकी लड़की से मिलना चाहते हैं। कहते हैं जो 20 साल वाली है उससे मिलेंगे। तब तो इन्हें बड़ा निराश होना पड़ेगा। आपको कम से कम 20-24 बरस तक इंतजार करना पड़ेगा। जी मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू यंग मैन। देखिए वो हो सकता है डॉक्टर सिंह की बेटी नहीं किसी और की बेटी है और उन्होंने नाम बताने में कोई गलती की हो, लेकिन मैंने खुद उन्हें इसकी दीवार फान कर आते हुए देखा है। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। उनका जरा गहरा रंग है और कद अच्छा है और आंखें भी बड़ी खूबसूरत सी है। नाक सरा छोटी है लेकिन शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल। मुझे यकीन है वो यही रहती है। इस तरह की तो कई लड़कियां हो सकती हैं। हाँ जरूर हो सकती है, लेकिन मैंने जो डिस्क्राइब किया है वो यही कहीं। रूपा यही तो है वो। ये रूपा नहीं जीता है। रूपा मैं कब से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। किसी को यहाँ तो कुछ पता ही नहीं। अब देखो मैंने क्या दिया ना भाई, I'm sorry, हमसे गलती हो गई। देखो मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं ना। सुनो ऊपर मेरी बात तो सुनो। आजाद कर दो, एक अगली स्टार बना दो। अरे ऊपर एक 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 बार देखो। सी तो चोट है पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
ऐसा हो जाता है कभी कभी। मत रो रीटा, मत रो। It's all right. Don't worry. Just relax. Let's go and rest a bit. मैं देखभाल कर रहा हूं इसकी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बहुत प्यार करती से। ये से क्या हो गया? रवि साहब बहुत परेशान हैं इन दिनों, उनका एक ही तो भाई है, आप समझ सकते हैं। अमित को हम हर कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। पुलिस चारों तरफ सरगर्मी से तलाश कर रही है मिस्टर वर्मा, डोंट वरी। डॉक्टर साहब ये इसे क्या हो गया है? क्या ये सचमुच पागल हो गई है? पागलपन? पागलपन क्या है इसके बारे में कौन जानता है? दरअसल इस तरह की बीमारी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अब फिर कौन कितना पागल है ये कहना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब जब बाहर मिला करती थी तो बिल्कुल ठीक थी। बाहर? जी हाँ, शरारती थी, मुझे तंग भी बात करती थी। कान पकड़ो। क्या करो? कान पकड़ो। कान? अरे अब उठक बैठे करो। अरे बाप रे बाप, बैठो, उठो। ओ दिया। अरे क्या गठिया हो गया क्या? कान जल्दी जल्दी। ये फिर उठा कर दो इसको। अरे आप बस भी खड़ा होगी कि नहीं? मस्त हो गई इस बैठक। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अब तो खुश हो ना? खुश हो अब? हाँ लेकिन बात कुछ बनी नहीं। जरा क्या रो? अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? अरे वहां क्या कर रही हो तुम? ऊपर? अरे कोई सीढ़ी वीढ़ी तो रखी होती। तुमको कोई और जगह नहीं मिली? वो वहां पुलिस वाला देख रहे हो? कहां? कितना हैंडसम है। देख रहा हूं। उसकी टोपी मुझे बहुत पसंद है। जरूर होगी, क्यों ना हो, तुमको ऐसी सब चीजें बहुत पसंद आती हैं। तुमको फिट आएगी। मुझे? तुम कुछ भी हैंडसम लगोगे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम तभी ठीक लगोगे जब उसकी टोपी चुरा कर पहने हुए यहाँ आओगे। टोपी और भी जीते जाते पुलिस में की? मैं बहुत सीधे साधे शरीर घर का लड़का हूँ भाई, मुझसे सब नहीं होगा। वो कम बखत मुझे अंदर करा देगा तो? सोच लो, इम्तिहान तुम्हारा है, वैसे करना भी क्या है, वहां जाना है, टोपी सर पर रखनी है और भागना है। सो सिंपल। सो सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा सिग्नल के बिना मैं तो हाथ से लेजर रहा था। चालान होगा, लाइसेंस। लाइसेंस? साइकिल चलने का लाइसेंस? चुप रहो। आओ, लाइट भी नहीं। ₹10 और, वरना साइकिल
जाप तो मैं तो नौकरी ढूंढने जा रहा था, मेरे पास पैसा ही नहीं है। पुलिस तो मैं ही वहाँ। अरे उसको पकड़ो। ओ, और कोई मैं ही पकड़ूँ क्या? लगती ब्रेक की लगती ब्रेक तो देता जा, छोड़ के ब्रेक तो देता जा। बहुत अमीर की अन्ना मड्डू मेरे के अपने, बहुत अमीर की अन्ना मड्डू मेरे के अपने। अरे मुझे किसी बताया नहीं, लेकिन प्यार बहुत करती थी डॉक्टर साहब, और अब देखिए ना, ना बोलती रहे ना कुछ। इस तरह के मरीजों का माहौल बदलने से उनका व्यवहार भी बदल जाता है। कभी तो बहुत खुश नजर आते हैं और कभी बहुत गमगीन, और कभी अपने आपे से बाहर होकर वो बड़ी खतरनाक हरकतें भी करने लगते हैं। पर डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? इलाज तो हम कर रहे हैं, हालांकि इसके बारे में निश्चित रूप से कहना जरा असंभव सी बात है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उससे तो ये सब देखा नहीं जाता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं डॉक्टर साहब, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं डॉक्टर साहब, अगर मेरा प्यार, हमदर्दी और आपका इलाज इसे मिले तो मुझे यकीन है जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे यहां रहने की इजाजत दे दीजिए। रहने की इजाजत? भैया कोई होटल थोड़ी है, जब जी चाह चले आए, जब जी चाह चले गए, और फिर तुम तो अच्छे खासे हो। डॉक्टर साहब, ये इसकी जिंदगी का सवाल है, किसी की जिंदगी के लिए आप इतना नहीं कर सकते। अगर अगर इसके किसी रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो मैं खुद उससे मिलने को तैयार हूं। रिश्तेदार और तो कोई नहीं, एक चाचा है इसके विदेश में, पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन खबर आज तक नहीं ली। इतनी सुंदर और मासूम लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर मुझे खुद बहुत दुख होता है। प्यार के सामने तो कुछ भी असंभव नहीं, और तुम उसे अगर इतना ही प्यार करते तो Thank you.
देयर इज नथिंग ऑड सर, जैसे नींद में हो। दुनिया से बिल्कुल अलग। याद है तुम्हें जब हमने इस तरह के टेस्ट स्वामी प्रकाशानंद की समाधि के समय लिए थे? ओ यस सर। कहीं कोई एकाएक दिमाग पर बोझ पड़ने से कोई नाड़ी तो नहीं डैमेज हो गई? दैट्स पॉसिबल सर। ब्रेन का स्कैन करते हैं। राइट सर। जल्दी करो नहीं तो मैं कुछ भी करो लेकिन मैं गाड़ी नहीं चुराने वाला। तुम तो मुझे अच्छा खासा चोर बना रही हो। अरे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। इसमें चोरी डकैती इसके अलावा भी तो कुछ होता होगा। और तुम मेरा ये पहला इश्क है, मुझे तो छोटी मोटी कंसेशन मिलना चाहिए। और वो कमबख्त सेठ के अपनी गाड़ी मुझे यूं ही दे देगा कि आओ आशिक भाई ले जाओ अपनी गाड़ी। कमबख्त अंदर करा देगा मुझे। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे उसने भी तो चोरी डकैती करके इतना माल बनाया है। इनकम टैक्स का नाम ले लोगे ना तो हार्ट भरी हो जाएगा। नहीं अरे नहीं। अरे सुनो तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? चोर पर वो जाओ जाओ जल्दी। अरे ड्राइवर गाड़ी क्यों रोका? सीबीआई। सीबीआई। आप सुनिए, आप मने कटे लेने जाओ सा। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। उल्टा लटकाने बच्चों, उल्टा लटकाने। उल्टा लटकाने? वापसी मारो तो कोई खोटो डंडो नहीं है सा। मेल मेल मिल के बारे में आपने किसने बताया हो साहब? नहीं नहीं सब मैं सच्चा धंधा करो साहब। नहीं नहीं मिले छोड़ो बाकी सब सच्चा धंधा करो साहब। और होटल? होटल में छोड़ो साहब। बताया हमका साहब, आप लीजिए 10,000 रुपए। 10,000? 20,000। 20,000? और ये गाड़ी? गाड़ी हाँ? गाड़ी भी ले लो साहब। गाड़ी भी, गाड़ी भी। आप तो बच्चों मेरे साहब। अच्छा बच्चो तो हमको घूस दे रहे हो? नहीं साहब उल्टा लटकाना पड़ेगा। नहीं साहब। ये तुमने कैसे किया? अरे हमारा रॉब है शहर में, चर्राते हैं हमारे नाम से लोग। मैंने बोला गाड़ी चाहिए, उसने बोला नहीं देता। मैंने कहा ऐसी दूंगा कि दो कान के बीच में सर हो जाएगा। तुम तो ड्राइवर था, मैं गाड़ी के अंदर से ड्राइवर। क्या बात है तुम्हारी? चलाने दो। रातों की गड्डियां बुद्धू का बच्चा जेब में लेकर ही घूमता। ए छोड़ो ना। ये अरे अरे देखो कहीं तुम्हारे डर से इसका हादसा तो नहीं हो गया? अरे दिल से तो ब्लैक का माल चिपका कर रखा है, कम वक्त उसे छोड़कर मरेगा भी कैसे? इसकी किस्मत भी काली होगी, इसे जरा ससुराल पहुंचा देती हूँ। अरे अरे ये क्या बना रहे हो? ये इसका सर्कस का क्लाउन बनाने। अब तो इसको जोकर की नौकरी मिल जाएगी सर्कस में। चलो अच्छा है। CBI काला पैसा। अरे जल्दी करो ना, मैं भी ससुराल जाना है क्या? डाकू। अरे ब्लैक मार्केटर। अरे लिखता हूँ ना 420। चलो ब्लैक मार्केट। चलो 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 भाग चलो। Yeah.
कोई डैमेज तो नहीं लगता सर। मैं भी यही सोच रहा था। There's nothing physical। यकीनन ये कुछ मानसिक प्रॉब्लम ही है। मेरे ख्याल से इसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। राइट सर। रीता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर खान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। कुंवर साहब, मुझे आपके डॉक्टर्स और नर्सेस की स्टेटमेंट लेनी होगी। मुझे अपने डॉक्टर्स और नर्सेस पर पूरा भरोसा है। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते? आप तो सबको लाइन में खड़ा कर देंगे और मेरे स्टाफ के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं किसी को लाइन में नहीं खड़ा कर सकता। ऐसे करते हैं, आपके ऑफिस में एक एक करके सबको बुला लेते हैं और वहीं स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या ये जरूरी है? जी कुंवर साहब, कानूनी कार्रवाई तो करनी ही होगी। वैसे मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है और फिर हम सब आपकी इज्जत भी करते हैं। आप घबराइए नहीं। घबराए क्यों नहीं जी? आप हैं मिस कुरैशी, इवनिंग स्टार के क्राइम रिपोर्टर। हेलो। हेलो। इस गैर जिम्मेदारी से ये पागलखाना चलाने का यही तो नतीजा हो सकता था। चारों तरफ पानी, न कोई फैंस न कोई पहरेदार, ये कैसा पागलखाना है? पागलखाना? और जहाँ से आप चली आ रही हैं वो जहाँ पैसे से इंसान की जिंदगी खरीदी जा सकती है, खाने पीने की चीजों में मिलावट, नकली दवाइयां जिन्हें खाकर मरीज मर जाते हैं, रिश्वत से जुर्म पर पर्दा डाला जाता है, हर दिन हर रात नए से नए तबाही के सामान ईजाद किए जाते हैं, हर दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग छिड़ी रहे, कत्लेआम होते रहते हैं। क्या है ये सब? नहीं सहन कर सकते हमारे लोग आप इस दुनिया की हलचल को, वरना कोई नहीं चाहता जब तक उसे मजबूर न किया जाए। इंसान करे ये हालात, सीमा के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। उसे यहाँ आए हुए दो ही दिन हुए थे और फिर आज तक इस जगह ऐसी कोई वारदात नहीं। इंस्पेक्टर खान बता सकते हैं? डॉक्टर्स राइट, ये यहाँ पे काफी सीरियस रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ की काफी मानी हुई और इज्जतदार हस्ती है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी के बारे में कुछ तो पता चला होगा ना? आखिर कोई वजह तो होगी। जरूर है। सूरज और चांद का असर सारी कायनात पे पड़ता है। जो लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं वो ज्यादा महसूस करते हैं और उनके बर्ताव से हमें सब कुछ नजर भी आता है। शायद बचपन की ऐसी कोई घटना भी हो सकती है जिसके कारण इस तरह के दौरे पड़ते हों। शायद उसने कुछ देखा। अमित, मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं रीटा को हिप्नोटाइज कर लूं ताकि उसके मन की गहराई तक पहुंचकर उसकी उलझन का कारण जान सकूं। तो आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। मुझे तो लगता है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके मन के अंदर झांके। कुछ ऐसी बात जरूर है जो वो खुद भी याद नहीं करना चाहती और जब भी उससे कुछ मिलती जुलती बात जिंदगी में उस पर गुजरती है तो वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाती। तुम्हें बहुत चाहती है, अपने मन की हर गहराई तक पहुंचने का हक दिया है तुम्हें। मैं सोचता हूं तुम्हारी मदद से शायद मैं भी उस दुनिया की एक झलक देख सकूं। अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने जा रहा हूं, घबराओ नहीं। अमित भी यही है, सब ठीक होगा, बेफिक्र होकर ध्यान दो। मैं जो कहूं उसे सुनो, सामने बत्ती की तरफ एक टक देखती रहो, मेरी आवाज की तरफ ध्यान बांध कर रखो। अब मैं पांच तक गिनकर
चुटकी बजाऊंगा और जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा तुम्हें गहरी नींद में खो जाओगी, गहरी, बहुत गहरी। सुनो, एक दो तीन, गहरी नींद, कोई फिक्र नहीं, शांति, सिर्फ शांति। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, नींद से आ रही है, आंखें भारी होती जा रही हैं और भारी। आंखें बंद हो जाने दो, चार पांच, बहुत ही गहरी नींद, और जैसे ही मैं बोल रहा हूं नींद और गहरी होती जा रही है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में ले जाता हूं और याद करो जब तुम 10 साल की थी, 10 साल, 9 साल, 8, 7 साल, 14। देखो मुझे बताओ तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, क्या है? डॉक्टर साहब की कोशिशें एक बार फिर नाकाम रही। हरगिज नहीं। अगर ऐसा है भी डॉक्टर साहब तो मुझे भी उस जैसा बना दीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हौसला रखो, कमजोरी से सपने टूट जाते हैं, हकीकत बिखर जाती है। रीटा ने जो ज्यादा जबरदस्ती अपने मन के तहखाने में कहीं दफना रखी थी वो जाग उठी है। उन्हीं यादों का हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसे मुक्त करवा दें और वो नॉर्मल हो जाए। मगर अमित, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि वो तुम पर पूरा भरोसा करती है। दिमागी बीमारियों में मरीज का भरोसा ही उसके इलाज की कामयाबी का राज है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इसमें क्या? विद द पावर ऑफ लव, विद द पावर ऑफ फेथ माय बॉय, तुम उसे कहलवाओ कि उसने क्या देखा है और उसे क्यों छुपा रही है। So
सूरज की प्यास बुझाना है, अब मुझको अपने अश्कों से सूरज की प्यास बुझाना है। पहना सकेंगी से कोई खता होगी तो माफी मांगता हूं। ये देखो कान पकड़ लूं, कान कहीं और चले, कोई और जगह, शायद कोई दूसरी जगह जाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। है? चलो, तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। मुझे लगता है इस दुनिया में तो तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो सकता, शायद दूसरी दुनिया में ठीक हो जाए। है? तो फिर दूसरी दुनिया में मिलते हैं। अलविदा। आज तो हो ही जाए। हाँ भगवान, मैं आ रहा हूं। एक दो, नहीं नहीं जूते क्यों खराब करो, हट, कमीज ही उतारी देता हूं, है ना। अमित, तुमने कुछ कहा? ऐसा मत करो अमित, ऐसा मत करो। पागल तो मैं हूं। मैं पागल हूं। पागल हूं मैं, तुमसे ज्यादा पागल हूं मैं, तुमसे ज्यादा, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए। अच्छा पागल, ये तो बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि तुम पास हो या दूर, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मुझसे अलग हो। मेरे खून के हर कतरे में तुम्हारे दिल की धड़कन बस रही है अमित। मुझे शक है कुछ जरूर है जो हमारा साझा नहीं है, जो एक शैतान की तरह हमारे दरमियान खड़ा हो जाता है, हमें एक दूसरे से जुदा कर देता है। मैं किसी गम का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी, हमेशा तुम्हें बचा के रखूंगी, तुम्हें खुश रखूंगी। और मैं दूर से तुम्हें अकेले उन काले सायों से लड़ता देखता रहूं, उनकी मौत सी अंधेरी बाहों में तड़पता देखता रहूं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं रीटा? मुझे भी ले चलो उन अनजान राहों पे, जिनमें भटक कर तुम मुझसे अलग हो जाती हो, जिंदगी से जुदा हो जाती हो। यकीन जानो रीटा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम पर क्या गुजरी है। तुम्हें अपने प्यार की कसम रीटा,
मेरी जान की कसम प्लीज बता दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं सच्चाई का सामना करूंगी, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। अमित, मेरे पापा मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, मिल में महीनों से हड़ताल चल रही थी, उस दिन मैं भी अपनी मां के साथ गई थी। ये मिल मालिक हम सब मजदूर लोगों की कोई परवाह नहीं करते, ये समझते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है, उनसे हर हाल में हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। मैं आपके साथ हूं, मुझे अपने हाथ दो, मेरे बाजू बनकर मेरे साथ चलो और तोड़ दो जिल्लत और गुलामी की ये जंजीरें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता बनी रहेगी, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता बनी रहेगी, मजदूर एकता बनी रहेगी, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता मजदूर एकता। देखो बख्शी, मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैं मिल का और देश का नुकसान नहीं देख सकता। अच्छा हुई हड़ताल वापस ले लो। जिसमें मजदूरों का नुकसान हो ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ ठीक है, आज का दौर तुम्हारा रहा, शाम को मिलो। सब तैयार है ना? आओ बच्ची आओ। देखो मैंने आज भट्टियां चालू करवा दी है, इनकी गर्म आगों ने आज मेरे दिल के जज्बात गर्म कर दिए हैं, आज मैं बहुत खुश हूं। कालू पैसे। ये क्या है? ये 30,000 रुपए है, चाहो तो अपने बेवकूफ साथियों में बांट दो या अकलमंद बनकर खुद रख लो। मैं अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता सेठ। गद्दारी नहीं, देशभक्ति है और देशभक्ति की कीमत बढ़ा दी जाएगी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता राजदान सेठ, तुम्हारे हाथ से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, उधर देखो। बख्शी तुम अपने बीवी और बच्ची की जान के दुश्मन क्यों बने हो? जानते हो मेरा ये आदमी दोनों के साथ क्या करेगा? उन दोनों को मसल देगा। ये पाप है सेठ, और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कमीने। गाली देखो। छोड़ दो मुझे कमीने कुत्ते। बदतमीजी से बदहजमी होती है बच्चे, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि पैसे लो और हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी इस पाप की कमाई पे थूकता हूँ सेठ। दे तूने लक्ष्मी को ठोकर मारी, तू भगवान का गुनहगार है और भगवान के गुनहगार की एक ही सजा है मौत। छोड़ द बास्टर्ड, भट्टी में फेंक दो। जी नहीं, इसकी जवानी पर अपनी छाप लगा दो। सबने मिलकर मार डाला उन्हें, मार डाला। पुलिस ने कुछ नहीं किया, समाज के ठेकेदारों ने कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। अमित, उन्हें मार डाला, मार डाला। सब खूनी है, तेरे ये दुनिया रहने के काबिल नहीं। हमें मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ।
तुम्हारे मर जाने से क्या हो बेटा, दुनिया से बेइंसाफी तो खत्म नहीं हो। और फिर तुम्हें तो कहा था कि तुम हर सच्चाई का सामना कर सकती हो, तो फिर तुम्हें जीना होगा। इस जालिम दुनिया से अपने लिए हर खुशी का हक छीन कर जीना होगा। जल जाने दो इस दुनिया को अपनी ही जलन की आग में, फिर इसकी राख से प्यार की दीवानी एक नई दुनिया पैदा होगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्यार की एक ऐसी दुनिया में ले चलूं। चलो मेरे साथ फिर एक बार, चलो मेरे साथ फिर एक बार, के हम फिर प्यार में दीवाने दीवाने हो जाए। चलो
मेरे साथ फिर एक बार, चलो मेरे साथ फिर एक बार, के हम फिर प्यार में दीवाने दीवाने हो जाए। बेटे वो कुछ काम में फंस गई हूँ, उन्होंने तुम्हारे लिए सामान भेजा है, जाओ ले जाओ। अंकल बुलबुल को बहुत बुखार है। फिर से? हाँ, और अब्दुल ने उससे पूरा काम कराया और फिर मारा। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में दारू पी रहा है। अरुण भाई घबरा रहे हो? मैं यतीम खाने का सारा माल हजम कर जाता हूँ और घबराता ही नहीं। डरो मत, पुलिस यहाँ चारों तरफ फैली हुई है और मेरा यहाँ दम घुट रहा है। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी ही होगी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना भाई। ये तो वही है सीमा का कातिल। कल काजी की भेड़ों के साथ पहाड़ों पहाड़ों निकल जाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। कल तुम फिर किसी मोहतरमा को अपनी बाहों में लेने के लिए आजाद हो गए। बहुत शुक्रिया। ये लो कुछ पैसे, मैं आपको बहुत एहसान मंद हूँ। अच्छा ठीक है। वो लड़का बेकसूर इंस्पेक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो सीमा भी नहीं चाहती थी। कुत्ते डॉक्टर साहब, मैंने हारून को पुलिस के हवाले कर दिया है। जी हाँ जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बाय द वे जानते हैं आप, इनमें खूनी दूसरा यतीमों का हक छीनने वाला, आपने तो कमाल ही कर दिया जी। ये तो मेरा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। वैसे आपकी तलाश में भी हम काफी भाग दौड़ कर चुके हैं जी। आपके भाईजान बहुत परेशान हैं, आप जाइएगा मत, मैं भी आता हूं, साथ ही चलेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो मियाँ? घर। घर? हाँ, यहाँ जो आता है घर वापस नहीं जाता। क्यों क्यों? क्योंकि
मुजरिम ही यहाँ आते हैं। अरे लेकिन मैं तो मुजरिमों को पकड़ के लाया हूँ। पकड़ कर? पकड़ कर? कब लाए? क्यों लाए? किसने कहा था? किस लिए? क्या रिश्ता है तुम्हारा? लाठी, भैंस, मशूका, धोखा या लकड़ी का खोखा, सब गुनाह है। कानून के खिलाफ, रजाई का ग्लास, शराब, चेहरे पे नकाब। अरे वैसे जनाब, है कोई जवाब? क्या करते हो हिसाब? ये बात है बहुत खराब। कुश्ती का कर इलाज। क्यों? बहुत नालायक तू। और समझा इन बीमारियों का इलाज कर। ये कमिश्नर साहब की दोस्त है। ये मुझे कम। अरे जो इसी वजह से वो समाज की नाइंसाफियों पर भड़कती थी और अजीब अजीब हरकतें करती थी। तुमसे भी एक पुलिसमैन की टोपी चोरी करवाना, एक सेठ की गाड़ी चोरी करवाना, वो सब तुम्हारा ध्यान करप्ट लोगों की तरफ ले जाने और उन्हें तंग करने के लिए किया। और फिर जब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी तो उसे दौरा पड़ जाता था, जैसे कि सीमा की मौत के वक्त। अमित, तुमने अपनी लगन और प्यार से वो कर दिखाया है जो मैं आज तक नहीं कर पाया हूं। तो डॉक्टर साहब, अब उसे एहसास हो जाने दो कि जो कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार थी और ना ही वो उसे होने से रोक सकती थी। एक बात और अमित, उसे विश्वास हो जाने दो कि उसका नाता अब जिंदगी की अच्छाइयों से जुड़ गया है। और फिर जब उसका विश्वास बन जाएगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर एक बात याद रहे, कुछ देर तक उसे कोई जज्बाती ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर मलिक, क्या खबर है? अमित का पता चल गया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है वो? वो इस समय लेक में डॉक्टर सिंह के मेंटल क्लिनिक में है। खाने में? वहाँ क्या कर रहा है? रवि साहब, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? हाथ पाँव बांध के उल्टा लटका के यहाँ क्यों नहीं ले आए? उसने कोई गुनाह तो किया नहीं है। ये आपका जाती मामला है, आप वहाँ खुद ही जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो ना? अगर कोई कसर बाकी रह गई हो तो कुछ दिन और यहाँ रह लो, मैं और इंतजार कर लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? इतने दिनों से सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और जीजा जी तो बहुत ही नाराज है। इंस्पेक्टर का फोन आते ही मैं भागी। वैसे प्रॉब्लम क्या है, कोई नर्स वर्स का चक्कर तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तुम आ गई, मेरी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई। ओह गुड, आखिरी मुश्किल मैं आसान करवा देती हूँ। तुम सिर्फ हाँ कह दो, मैं फट से शादी तय करवा देती हूँ। रेली, मगर भैया का क्या होगा? अरे जीजा जी तो मेरी मुट्ठी में है, इकलौती साली हूँ उनकी, कैसे नहीं मानेंगे। अच्छा, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब तो मैं एक पल भी अकेले नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ तुम ही मुझे सही समझते हो। जानती हो, रीता बहुत ही अच्छी लड़की है, सिर्फ तुम ही ने उसे सही समझा। रीता? कौन रीता? भाभी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? रीजा बहुत अच्छी लड़की है, सभी कहते थे वो पागल हो गई और कभी ठीक नहीं हो सकती, मगर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, ये हकीकत है, और इसीलिए तो इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ। आओ आओ, तुम्हें उससे मिला दो। आओ आओ ना, आओ। अरे आओ रीजा। रीजा ये नीना है, मेरी भाभी की छोटी बहन, और 7 साल से मुझे प्यार करती आ रही हूँ। I'm sorry. मुझे माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं। सिचुएशन गड़बड़ हो गई ना? लगता है
जीजा जी को मनाना ही पड़ेगा। मैं हारती नहीं हाँ, मगर उसे उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। गुड लक। आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर सिंह, आपने उसे यहां रहने कैसे दिया? कोई भी आदमी इन पागलों के बीच अपना बैलेंस खो सकता है, पर अमित तो वैसे ही बड़ी एक्साइटेड कंडीशन में था। जरा धीरे बोलिएगा, मरीजों पे बुरा असर पड़ता है। अजी कैसे मरीज, कैसा आपका अस्पताल, कैसा आपका इलाज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने जिम्मेदार इंसान होकर आपको यह तो सोचना चाहिए कि भाई इसका नतीजा क्या होगा। अरे आप ही ने इन दोनों की हरकतों को बढ़ावा दिया है। एक अच्छे घर के लड़के को अपनी जिंदगी बनानी चाहिए, कड़ी मेहनत करके कुछ बनना चाहिए, न कि इश्क विश्क जैसी फालतू चीजों में अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। आपको उसे समझाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। मैंने बड़ी मेहनत से अपनी पोजीशन बनाई है और यहां मेरा भाई पागल खाने में एक पागल लड़की के साथ, और मैं दुनिया भर में उसे ढूंढता फिर रहा हूं। प्यार के दिन में रहने वाले को कहां ढूंढते फिर रहे थे आप? इन लोगों को पागल कहकर आप दुख पहुंचा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है आपको इससे? ये तो आपके रास्ते में भी नहीं है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी मदद कीजिए। मैं अमित को वापस ले जाना चाहता हूं, इस लड़की से छुटकारा दिलवाइए। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाए। डॉक्टर आप तो जानते हैं इस दुनिया में नाम और इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और प्यार, प्यार तो मिलता ही नहीं। देखिए अमित आपका भाई है, आप जो चाहे करें उसके साथ। लेकिन अमित आखिर ऐसी विजित क्या है? हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम पहले घर तो चलो। अमित ये क्या हरकत थी, इतने दिनों से बिना बताए यहां पड़े रहे, इतना भी ख्याल नहीं किया कि घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। मुझे पुलिस में रिपोर्ट देके तुम्हें ढूंढवाना पड़ा। इश्क भी किया तो पागल लड़की से। भैया मैं उसे समझता हूं, वो पागल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं। तो पागल और कैसे होते हैं? मुझे और कुछ समझना नहीं है। प्यार वार की बकवास बंद करो, इसे पेट नहीं भरता। जब कमाना पड़ेगा तो पता चलेगा, रहने के लिए सर पे छत नहीं होगी तब पता चलेगा तुम्हें। अभी तो माँ बाप का दिया बंगला है और खाने की कोई फिक्र नहीं है, क्या सारी जिंदगी उसका इलाज करवाते रहोगे? इससे पहले कि तुम उस पागल लड़की को घर ले आओ और खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछालो, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुझे आकर दिखा रहे हो, बदतमीज भी हो गए। अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं, उनकी तमन्नाओं का भी ध्यान नहीं, एक पागल लड़की की खातिर अपना खानदान ठुकरा रहे हो। ये हो क्या गया है तुम्हें? दीवाना हो गया हूं मैं, होश आ गया है मुझे। आती ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी ये हिम्मत, मेरे सामने चाबियां फेंकता है, आंखें दिखाता है। मैं सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहता, इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म अगर बाकी है तो इससे कहो शराफत से घर चले। हाँ हाँ आप चलिए, मैं इसे समझाती हूँ। पर ना मानो, समझने की कोशिश करो, इतना प्यार करते हैं वो तुमसे, तुमसे जुदा नहीं रह सकते। प्लीज। और तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती हो? तुम ठीक नहीं हो सकती अमित, तुम जाओ। कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। तुम क्या सोचती हो, तुमसे अलग मेरी कोई दुनिया हो सकती है? ऐसा मत कहो अमित, मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकती। तुम्हारे दुख ही तो मुझे चाहिए, सारी खुशी अपने पास रख लो।
मेरे सुख भी अपने नाम कर लो। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कुछ नहीं है। तुम भी पागल हो गए हो क्या? पागल कौन नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूं। मैं तुम्हें अपने घर से अलग करने का बोझ नहीं संभाल सकूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। प्यार? प्यार तुमसे नहीं होगा? तो फिर अब तक ये सब क्या ढोंग था? पागलपन के बहाने मुझसे मुंह मोड़ना चाहती हो तुम? मंजिल दिखाकर रास्ता भुलाना चाहती हो? कि कैसी रहनुमा हो तुम? मैं तो खुद चौराहे पे एक गुमराह, मेरा सहारा मत लेना। सहारा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये दुनिया तुम्हें एक पागल के साथ नहीं जीने देगी अमित। तो मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता। तुम चलो मेरे साथ कहीं दूर, यहां से निकल चलते हैं। नहीं, क्यों अपनी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? घर जाओ, प्लीज जाओ। प्यार के बिना जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। ऐसे जीने से तो कहां जा रहे हो? जहां तुम्हारे सिवा कोई ना हो, या तुम हो या कुछ भी ना हो। क्यों नहीं आ रहा है वो? आप नहीं आएगा? क्या मतलब? वो उस हाथ को पांव कर चुका है जिसे वापस आना उसके पास में नहीं है। हम सबकी खुशी की खातिर डॉक्टर मलिक, मैं डॉक्टर सिंह की क्लिनिक से बोल रहा हूं। लेक में एक एक्सीडेंट हो गया है। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूं। सबसे पहले तुम्हें इन्हीं शोलों में असम करके तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले प्यार के नाम से भी नफरत कर लूंगा। मैं तो सती हो जाऊंगी, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, खुश हो बैठे हैं क्या? ढूंढ रहे हैं, वो बहुत ऊंचे उछल कर कहीं दूर पानी में गिरे हैं। हौसला रखिए। नहीं, कहां जा रहे हैं?
क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो आप? मैं उसे ढूंढूंगा, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। उसके बगैर जिंदा हम सब आप अपनी गोद में पाले। अरे उसके बगैर जिंदा नहीं। उसे जाने दीजिए, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बचा लो, मुझे फिर से पागल कर दो, लेकिन इसकी जान बचा लो। तुम्हें जान ही चाहिए ना, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे प्यार की सजा उन बेकसूर लोगों को मत दो, मत दो। कोई हरकत? मरने नहीं दूंगी, वहीं से मरने नहीं दूंगी। वादा पूरा कर रही हूँ, भगवान को दिया हुआ वादा। वादे तो कई तुमने अमित को भी दिए होंगे। मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो पागल हूँ ना, मेरी मुराद पूरी हो गई, अब मुझे जाने दीजिए। अगर तुम पागल हो तो भगवान करे सारी दुनिया तुम्हारी तरफ पागल हो जाए। पागल तो मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका। मेरी बहू मुझे माफ नहीं करेगी।